सबसे पहले तो मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और बहुत सारा प्यार आप छोटों लोगों को देना चाहूँगा और बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना चाहूँगा, क्योंकि आप बेसिकली हमारे वीडियो को आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं और आने वाले समय भी आप लोग सपोर्ट करेंगे और इतना प्यार दिया, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मुझसे जो भी आगे का वीडियो अच्छा होगा वो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। बस ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर कहते हैं ना बीच में नैया के भैया हटी तो गंगा जो वो मझधार होती है ना, वो नैया डूबने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो मेरे लिए मेरे नैया भी आप ही हैं और मेरे खेवैया भी आप ही हैं। तो जब बिना आपके सपोर्ट के कोई भी आगे नहीं जा सकता, तो मैं सारे इंडिया वासियों से और सारे हिंदुस्तान भाई बहनों से यही निवेदन करूंगा कि अपना आशीर्वाद, अपना प्यार और अपनी दुआ हमेशा इस शिवम वंदना ब्लॉग्स के चैनल पे बनाए रखिएगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, एक बार फिर स्वागत है शिवम वंदना ब्लॉग्स में, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो फाइनली दोस्तों, आज फिर संडे का दिन है और फिर संडे का दिन आ गया और फिर मैं 15 दिन बाद आपको उसी जगह पे लाया था जहाँ मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि फाइनली मेरा घर का काम जो है वो चालू हो चुका है। तो जो मेरे घर का काम था वो बेसिकली तो कुछ कंप्लीट हो चला है और कुछ पॉकेट में मनी ना होने की वजह से काम बंद भी हो चुका है। तो बेसिकली अभी हम आपको इसी चीज़ को लेकर आए हैं कि क्योंकि लगभग पिछला वीडियो मैं 15 दिन पहले ही डाला था, तो 15 दिन आज के तकरीबन 15 दिन पहले वीडियो डाला था, क्योंकि मुझे जो है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि मेरा जो काम का सिलसिला है लगभग बहुत ज़्यादा उसमें मानसिक तनाव रहता है और इसी कारण से मैं अपने जो घर का है वो काम देख नहीं पाता हूँ और घर वो वीडियो भी मैं आपको अपलोड करके डेली का दिखा नहीं पाता हूँ। तो बेसिकली आज संडे था तो संडे के दिन में मैं फ्री था, तो अभी फाइनली जो वक्त है वो दोपहर का है, तो दोपहर के वक्त में मैंने सोचा कि चलिए आज देख लेते हैं कि हमारा जो मकान है वो कहाँ तक पहुँच चुका है और कितना रेडी हो चुका है और लगभग क्या क्या उसमें काम हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको वो चीज़ दिखाते हैं। हाय दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ अपने जो वीडियो डाला था उस मकान पे आ चुका हूँ और मकान पे मैं बैठा हुआ हूँ। तो अब भी ये पीछे का आप देख रहे होंगे, ये पीछे का जो मैंने दो रूम पिछले वीडियो में दिखाया था, तो यही है सारा चीज़। और मैं अभी आपको वो भी चीज़ दिखाऊंगा कि जो फाइनली मैंने वीडियो में दिखाया था उसमें पिलर उलर लगे थे, तो अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो लगभग मेरा काम कहाँ तक हुआ है, क्या चीज़ पहुँचे हैं, क्या चीज़ नहीं हुआ है और बारिश की वजह से क्या क्या दिक्कतें हुई हैं, क्या क्या ख़राबी हुई हैं, वो सारा चीज़ मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और दिखाते हैं वो सारी नज़ारे जो आपके सामने। तो ये रहा जो ढाला हुआ था, जो ये उस लिए ढाला हुआ था कि जो हमारे ये बाउंड्री है वो बाउंड्री के लिए ढाला गया था, क्योंकि ये खंबे के टाइप की जो बाउंड्रियाँ लगाई जाती हैं उसके लिए।
इसके इसके आरी आरी रिबन डाला गया आगे का कुछ होता है ना गांव में गाय बड़ी चल जाते हैं इसी सब में इसको बचाने के लिए ये रहा जनरेटर। जनरेटर पानी की वजह से भीग जाता था, कुछ खराब हो जाते थे तो इसी कारण इसको ढक के रखा गया है। और सामने आप देख सकते हैं वो रहा टंकी बनाई गई है कैसे भरने के लिए। और ये महादेव बाबा के संरक्षण में पड़े हुए सारे दरिद्रों को भगाने वाले हैं। तो फाइनली अभी हम आपको वो घर का नज़ारा दिखाने वाले हैं। ये रहा मेरा जामुन का पेड़ जो भरपूर मात्रा में जामुन देता है हर साल, लेकिन इस साल नहीं दे पाया। और ये रहा मेरे खेत का नज़ारा थोड़ा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये आगे हमारे घर का जो पोर्शन है वो आगे घर का कुछ पिलर उलर आगे भी ढाल दिया गया, उस पर जो कटरा होता है या पटरा होता है वो रखा गया है। जो जनरेटर वगैरह है वो बचाने के लिए ये सब किया गया है। और अंदर कुछ काम हुआ है अभी, ये सारे चीज़ हैं। तो फाइनली मैंने आपको जो घर दिखाया वो बेसिकली इतना ही रेडी हो गया है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पॉकेट में मनी नहीं है भैया, इसलिए थोड़ा काम समझ रहे हैं ना आप, रुकना पड़ रहा है। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए और थोड़ा अपना प्यार बरसाइए, जो हमारा कुछ ना होना है वो भी हो जाए। क्योंकि अगर आप काशी विश्वनाथ की नगरी को अगर प्यार बरसाएं, ऐसा हो नहीं सकता कि भोलेनाथ आप पे बरसाएं ना। तो एक बार काशी विश्वनाथ के छोरों पे या काशी विश्वनाथ के शहर वालों पे अपना प्यार ज़रूर बनाए रखें। ये तो फाइनली आप सभी ने देखा, ये मेरा घर है और बेसिकली अब थोड़ा रहने लायक हो चुका है। अब भी मैं इसको ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बेसिकली अभी थोड़ा बहुत रहने लायक हो चुका है, बारिश से बचने लायक हो चुका है। तो ये हमारा फाइनल था। तो इसके साथ अब मैं यहीं पर अलविदा लेता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।